कोरोना संकट के बीच दुनिया में महायुद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और नाटो की चेतावनी के बाद भी रूस अपने रुख पर कायम है और सीमा पर सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा रहा है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन की सीमा पर टैंकों और तोपों के साथ रूस के अभी भी 1,00,000 सैनिक तैनात हैं। इसकी संख्या अभी और भी बढ़ाई जा सकती है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन साफ कर चुके हैं कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका इस जंग में यूक्रेन का साथ देगा। अगर रूस और यूक्रेन जंग में उलझते हैं तो यह महज दो देशों की जंग नहीं रहेगी, यह विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। इस युद्ध में यूक्रेन का साथ देने अमेरिका, रोमानिया, पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस समेत कई देश शामिल हैं। अगर रूस का साथ देने वाले देशों की बात करें तो इसमें कोई भी बड़ा देश शामिल नहीं है। चीन जरूर आखिरी वक्त पर कोई खेल करने की कोशिश कर सकता है। आईएन ब्यूरो।